सो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे कबूतर खाना के वहाँ खड़ा हूँ, राइट आउटसाइड ऑफ पाटुखा स्टेशन, और यहाँ पे मेरे पीछे है शेर के वड़ा पाव। इसके बहुत ही फेमस वड़ा पाव है, वड़ा उसल और भजी। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा उनके भजी और वड़े सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है 11:15 बजे इसको टेस्ट करते हैं। काई नाव तुमचा भाऊ? सिरके साहेब। ओके, आणि किती वाजता सकाळी तुम्ही स्टार्ट करता? सात वाजे। और किती वाजे तक? 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप? ओके, साल में पूरा दिन चालू, साल में पूरा दिन चालू, एक भी दिन छुट्टी नहीं। जो आपका सबसे पॉपुलर बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा रहता है? वड़ा पाव। बाहर का भी जाता है? कहाँ पे? अमेरिका, इंग्लैंड, श्रीनगर में गया। सुबह कैसे आप बेचते? लेकिन ये फिर नरम नहीं हो जाता है? नहीं, वो लोग इधर पहला बच्चे लोग है ना, वो बाहर है ना, हाँ, तो इधर से मंगाते हैं। मतलब आप वड़ा का मिक्सर देते हो बेसिकली? नहीं नहीं, ऐसा तो? पाव में बांध के वो लोग उधर खाते हैं। अच्छा, जाते हैं वो लोग का। हाँ, लेकिन उधर नरम हो जाता होगा ना फिर फ्लाइट में एकदम? कितना बार जाता है? अच्छा, ओके, तो चलिए हमारे लिए आप एक प्लेट लगाइए यहाँ पे। चाय देना एक। ये देखिए भाई साहब, इनकी तीन डिफरेंट चटनी है, ये मीठी चटनी है तीखी और लाल, और ये देखिए यहाँ पे वड़ा उसल पटाटा भाजी। तो हमने भी हमारे लिए यहाँ पे वड़ा उसल और पटाटा भाजी दिया है। स्टिकर लगा देखो, सनफ्लावर। एक सेकंड, देखिए भाई साहब इनका ये मिसल है वड़ा पाव। ये हो गया वड़ा पाव। ये देखिए यहाँ पे इनके स्पेशल है, यहाँ पे दादर के 2-3। ओके, तो आप लोग यहाँ पे हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू गाइस कम ओवर हियर? थैंक यू सो मच। तो भाई साहब वड़ा एकदम सॉलिड है, बोले तो एकदम झकास। जो सुबह को आपको जो किक ऑफ चाहिए वो बेसिकली मिल गया है आपको, मतलब मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा। बहुत ही स्पाइसी इनकी चटनी है। तो भाई साहब एक और खास बात इनकी वड़े की ये है कि इनके जो वड़े हैं इसमें कोई कांदा नहीं है और कोई लहसुन भी नहीं है, तो बहुत ही टेस्टी है वंस अगेन। और जैसे कि भाई साहब ने हमको बताया कि ये वड़े यहाँ से इनके श्रीनगर तक जाते हैं, बोलिए फ्लाइट में पैक होके जाते हैं, और ये बेसिकली ठंडे हो जाएंगे, बट वहाँ पे जाके फिर से ये लोग इसको थोड़ा सा फिर से गर्म कर सकते हो, आप वार्म कर सकते हो, रोस्ट करके फिर से खा सकते हो, और बहुत ही टेस्टी है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं जो इसके भजी है एकदम क्रिस्पी है, और मतलब खाने का जो जैसे ही आप मुँह में आप बाइट लोगे यू विल फील लाइक, आपको वो फील करने के लिए यहाँ पे ज़रूर आना पड़ेगा। सिरके वड़ा पाव, राइट आउटसाइड माटुंगा स्टेशन सेंट्रल रेलवे, और इसका जो मेन लैंडमार्क है यहाँ पे वो है रामश्रेय होटल। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, स्वादिष्ट है और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आपको ये मिलेगा। तो थैंक यू काका, वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी था, जो भजिया इन्होंने खिलाए और जो उसल हमको खिलाए और जो चटनी एकदम माइंड ब्लोइंग थी, मतलब माइंड पूरा ब्लो हो गया है। थैंक यू वंस अगेन काका। वंस अगेन फ्रेंड्स, डू कम ओवर हियर, सिरके वड़ा पाव, राइट ऑपोजिट माटुंगा स्टेशन ऑन द सेंट्रल रेलवे साइड, एंड द लैंडमार्क ओवर कबूतर खाना, एंड द लैंडमार्क होटल इज रामश्रेय। थैंक यू, जय भारत।